अधेड़ उम्र का एक शख्स, उम्र लगभग 53 या 54 साल, खाता पीता चौड़ा शरीर, लंबाई यही रही होगी कुछ 5 फिट 6 इंच के आसपास। तारीख थी 26 नवंबर और साल था 2008। पूरे शहर में आतंक मचा हुआ था। असल में इस दिन पाकिस्तान के कुछ आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस आए थे, जिनका मकसद मुंबई को दहलाने का था। शहर में उस दिन बहुत ज़्यादा धमाके हुए, कई लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वर्दी में अपनी टीम के साथ सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहा वो शख्स अपने आप को कोस रहा था कि पूरे शहर की स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। काश उसको भी माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कुछ करने का मौका मिलता। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके वायरलेस पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक सिल्वर कलर की स्कोडा कार जा रही है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है। ऑर्डर मिलते ही मुंबई पुलिस का वो ASI चौकन्ना हो गया और अपनी पूरी टीम को अटेंशन मोड पर कर दिया। रोड पर खड़ी हुई सभी गाड़ियों को निकालकर बैरिकेडिंग करने के लिए कह दिया गया, ताकि वो सिल्वर कलर की कार हाथ से ना निकल जाए। अब बस थोड़ी ही देर हुई थी कि ASI साहब ने जोर से आवाज लगाई कि स्कोडा आती हुई लग रही है, बैरिकेडिंग लगाओ। बैरिकेड लगा दी गई, स्कोडा गाड़ी आई और बैरिकेडिंग देखकर खड़ी हो गई। अब पूरी सड़क पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और वो सिल्वर कलर की स्कोडा ही थी। स्कोडा गाड़ी के रुकते ही कार की तरफ मुंबई पुलिस के कई जवान बंदूक लेकर बढ़े और गाड़ी में बैठे युवकों से बाहर आने को कहा, लेकिन अचानक गाड़ी जिधर से आई थी उधर की तरफ वापस मुड़ने लगी। ये सब देखकर मुंबई पुलिस के जवानों ने कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद कार वहीं रुक गई। अब कार में से किसी भी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं की जा रही थी। मुंबई पुलिस की खाकी वर्दी, नीली टोपी लगाए और हाथ में 3 से 4 फुट का डंडा लिए ASI ने जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़ी, वैसे ही वहां तैनात की गई पूरी टीम उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कार के पास गए तो देखा कि कार में बैठे 2 लोगों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बेसुध अपने सीट पर पड़ा हुआ था। पूरी रोड पर उस टाइम मुंबई पुलिस और सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं था। ASI ने कार की बाईं ओर वाला दरवाजा खोला तो देखा कि बाईं सीट पर बैठा शख्स जिंदा है। ये देखते ही ASI उस लड़के से दिखने वाले शख्स पर टूट पड़े, लेकिन अफसोस उसके हाथों में मौजूद AK-47 ठीक ASI के पेट के नीचे आ चुकी थी। शेर जैसा दिल रखने वाले इस ASI ने अपना डंडा फेंका और उस आतंकी को अपने चट्टान जैसे हाथों से दबोच लिया, लेकिन इस दौरान वो नहीं हुआ जो हम और आप चाहते थे। आतंकी द्वारा चलाई गई एक के बाद एक गोलियों ने ASI के पूरे शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन वो शेर दिल इंसान निकले जो जब तक गोलियां खाते रहे तब तक उस आतंकी के गिरबान पकड़ कर कार से बाहर नहीं खींच लाए। वो तब तक गोलियां खाते रहे जब तक उनकी सांसों ने उनका साथ नहीं छोड़ दिया। आतंकी इस्माइल तो फायरिंग में पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन ASI की बहादुरी के चलते आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। ASI खुद तो दुनिया छोड़ गए, लेकिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत देकर चले गए जिसने पूरी दुनिया भर में पाक के आतंकी रूप को खोल कर रख दिया। जिस शेरदिल पुलिस अफसर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है तुकाराम गोपाल ओंबले। तुकाराम गोपाल ओंबले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के दिल में वो आज भी जिंदा हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले मुंबई पुलिस के जवान को लाखों करोड़ों सैल्यूट। जनता शो देश के ऐसे सच्चे सपूतों को नमन करता है और उम्मीद करता है कि आगे भी ऐसे जवान निकलकर सामने आते रहेंगे जो लोगों के लिए प्रेरणा बने। बाकी आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।